हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब बिरादरी धर्मशाला का उद्घाटन किया, साथ ही रविवार को 8 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इनमें नगर निगम का नया कार्यालय सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन किया गया है, जो 1500 गज में बना है, जो कि 4 मंजिला है। यहां सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। देखिए मित्रों, आज प्रातःकाल नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और मतलब के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। सीएम खट्टर ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात पर कहा कि उनके साथ कांग्रेस में रहते हुए विरोध था, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है तो विरोध भी खत्म हो गया। आपसी मुलाकात हुई, सामान्य बातों पर चर्चा हुई। उनके साथ पंजाब में चुनाव लड़ना है या नहीं, ये केंद्र का विषय है, वो तय करेंगे। राज्यों के लोगों में आपस में होती रहती है, अब चूंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है तो ये ठीक है कि हमारा उनका विरोध केवल कांग्रेस के कारण से था, अब कांग्रेस ने छोड़ दी है तो वो बैरियर खत्म हो गया। बाकी काम केंद्र के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग, वो जानेंगे क्या कर। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये उन्हें नहीं पता। आज क्राइम कहाँ कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं, क्राइम होने के बाद पुलिस कितना जल्दी उस मामले को सुलझाती है और दोषियों को सजा दी जाती है, इस बात को देखना चाहिए जो सही चल रहा है। अब ये तो भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरी जिम्मेवारी नहीं है, और भूपेंद्र हुड्डा तो क्योंकि विपक्ष के नेता है, हवाई तीर कुछ भी छोड़े, लेकिन आखिर तुलना तो तब होगी कि उनके समय में क्या था आज क्या है। आज क्राइम के ऊपर जिस प्रकार से हम कड़ाई करते हैं और जैसे उनको पटाक्षेप करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्राइम कहाँ होता है कितना होता है, शायद पुलिस उसके ऊपर पूरा नज़र न भी रख पाए तो भी क्राइम होने के बाद कितना जल्दी पकड़ के उनको दोषियों को सजा दी जाती है, क्रिमिनल्स को उनके साथ मुकाबला करके उनको कंट्रोल में लिया जाता है। बहरहाल जब से अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन शुरू से ही अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में जाने से इनकार किया है। मैं प्रदेश में सीएम खट्टर विकास की ब्यार को लगातार आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। करनाल से विकास महला की रिपोर्ट।